अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मलका टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिक्का रेसिपी। तिक्का तो बहुत सारे हम बना चुके हैं, आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब मैं बना रही हूँ बोटी सोफियाना तिक्का, ये भी बहुत ज़बरदस्त झटपट बनने वाली है। इसका जो मसाला है वो बिल्कुल चेंज है, आप चाहे तो आप इसे खुले भी पका सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस साइज में हम लेंगे गोश्त, आप चाहे तो आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। बीफ में हमें कच्चे पपीते की ज़रूरत पड़ेगी और मटन में नहीं। अब इसका जो मसाला है तो मसाले को थोड़ा सा भुना के फिर पीसना है। ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने भुना के फिर उसको पीस लिया। अब जो दूसरा मसाला है वो है लहसुन और हरी मिर्ची, उसको थोड़ा सा पका लेंगे तेल में। जलाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पकाना है। दो मिनट तक अब इसको पकाएं, सिर्फ खुशबू आने तक इसको पकाना है। तो अब मैं इसको भी पीस रही हूँ। थोड़ा सा क्रीम हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि पीसने में भी आसानी हो और हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। इससे 3-4 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम मिक्स किया, तो देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला बन गया हमारा। बाकी मसाले भी ऐड करेंगे, भुना सूखा धनिया और ज़ीरा, गरम मसाला, अदरक पाउडर, हसब ज़रूरत नमक, और हसब ज़रूरत लाल मिर्च, जितना आपको पसंद हो। मैंने 2 टेबलस्पून डाला, आप जितना आप खाते हैं आप उतना डाल सकते हैं इसमें। तो अब इसको हम रखेंगे एक रात के लिए मसाले में। अब मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी ढक्कन या किसी भी चीज़ से आप इसे कवर करें तो ये देखें, पूरी रात मैंने इसको मसाले में रखा तो गोश्त का रंग थोड़ा चेंज हुआ है मसालों से और अच्छी तरह मसाला जज़ब भी हुआ है इसमें। अब इस तरीके से मैं एक एक स्टिक में डालूंगी। ऐसे सारे कर लेंगे। थोवे को मैंने थोड़ा सा गर्म किया पहले से, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें। अब इसको इस तरह तरीके से रख देंगे। आंच बिल्कुल हल्की करनी है, हमने जो फ्लेम है हमारा तो उसको बहुत कम किया है मैंने, तेज़ आग पे नहीं पकाना है इसको, थोड़ा सा बिल्कुल कम आंच पे इसको हम पकाएंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड चेंज करते रहेंगे। तो देखिए तैयार है हमारा तिक्खा, थोड़ा सा बस अब इसको और पकाना है, बाकी ये रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।